हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉट वाला मफफ। तो आज मैं एक सब्सक्राइबर ने कमेंट में पूछा कि सीटीपी ऑफ अथॉरिटी कौन सा कैरेक्टर को दे सकता हूँ भैया करके पूछा है। तो मैं आपको बताऊँगा आपको ए सीटीपी किस कैरेक्टर को दे सकते हैं, और उन जिसने कमेंट किया ना उनको भी बताना चाहता हूँ कि आप इसको रिफोर्ज करना पड़ेगा तभी आपको ये यूज़फुल रहेगा। विदाउट रिफोर्ज नहीं यूज़फुल नहीं रहेगा। अभी का टाइम पर जितना भी गेम में है ना रिफोर्ज करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल रेज, बिना रिफोर्ज का सीटीपी कुछ का सीटीपी अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल रेज विदाउट रिफोर्स करेंगे भी रीच अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। एंड और एक सीटीपी ऑफ इनसाइड विदाउट रिफोर्स करेंगे भी तो आप सपोर्ट दे सकते सभी कैरेक्टर को। एंड बाकी जितना भी सीटीपी है ना रिफोर्स करेंगे तभी थोड़ा फुल यूजफुल रहेगा। एंड फॉर एग्जांपल रिफाइनमेंट रहने दो गॉडली सीटीपी फॉर पीवीपी, अथॉरिटी रिजन रहने दो पीवीपी के लिए अच्छा है। एंड पेशेंस भी ठीक है बोलूँगा। एंड फॉर एग्जाम्पल पीवी इन वर्ल्ड बॉस के लिए सीटीपी ऑफ एनर्जी इज रियली गुड। एंड वो भी रिफोर्स वाला दिखाऊंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल देखो माइटी एनर्जी रहने दो, आपको पीयर्स मिलेगा 6% एंड एडिशनल पीयर्स एंड एडिशनल कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, तो ऐसा रिफोर्स करना पड़ेगा। ओके अभी देखो। एंड उसके बाद ब्रिलियंट भी है, माइटी ब्रिलियंट। ब्रिलियंट आना बहुत मुश्किल है, सभी को ब्रिलियंट नहीं आएगा। तो इस जो सब्सक्राइबर ने कमेंट किया इसको उसको छोड़ दो, इस ब्रिलियंट सभी को नहीं आएगा। लेकिन आपको मिनिमम माइटी सीटीपी तो करना पड़ेगा। आपको उसमें सिर्फ 30% इंक्रीज डिक्रीज ऑल डैमेज रिडक्शन मिलेगा एंड अदर 20% कॉन्सेंट्रेट मिलेगा एंड इंक्रीज ऑल अटैक डिफेंस मिलेगा 20%। दिस स्टैट्स आने के लिए मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। एक सीटीपी और दो सीटीपी अथॉरिटी चाहिए, एक को फोर्स करेंगे ना आपको ये सीटीपी मिल जाएगा। ओके देखो अभी मैं आपको शो करूँगा, बहुत सारा कैरेक्टर नहीं है। एंड सीटीपी ऑफ अथॉरिटी इज मेनली फॉर पीवीपी ओरिएंटेड कैरेक्टर के लिए, आप समझ गए। एंड सिटी ऑफ अथॉरिटी ओनली पीवीपी के लिए, फॉर एग्जांपल अदर बैटल इवन टैमलन बैटल के लिए आप वॉल्वरिन को दे सकते हो। मैं माइटी सिटीपी है, ब्रिलियंट नहीं है बिकॉज ब्रिलियंट इज रियली रियली हार्ड बिकॉज उसके लिए ज़्यादा रियल पैसा स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास दो सिटीपी ऑफ अथॉरिटी रहेगा ना, आप इसको कंबाइन करके आप सिटीपी ऑफ अथॉरिटी माइटी सिटीपी कर सकते हैं। एंड उसका स्टील आने का गाइस, आई मीन स्टील प्रॉक बोल सकते हैं, स्टील आएगा डिक्रीज डैमेज ऑल डैमेज रिसीव्ड 30% अनदर 20% कॉन्सेंट्रेट इंक्रीज होगा। बहुत सिंपल सा है, समझ गए। दिस इज दे सीटीपी वॉल्वरिन को दे सकते हैं। ओके एंड दूसरा कैरेक्टर बोलूँगा तो मे बी जीन ग्रे, बट मैं जीन ग्रे को आपको माइटी रिकमेंड करूँगा, ग्रीड नॉट माइटी, माइटी सीटीपी ऑफ ग्रीड रिकमेंड करूँगा। तो जिन ग्रे को भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि ग्रीड नहीं रहेगा तो अथॉरिटी दे सकते हैं। जिन ग्रे हो गया, उसके बाद वो वॉल्वरिन हो गया, नॉर्मली पीवीपी कैरेक्टर गैस। थानोस मे बी, फॉर एग्जांपल आप, मैं तो रीजन करके रखा हूँ, मे बी थानोस को दे सकते हैं। देखो अथॉरिटी दिया गया है 73% अथॉरिटी थानोस को दिया गया है, तो इससे आप समझ गए ना सिटी ऑफ अथॉरिटी थानोस को भी दे सकते हैं। मैं गलत सिटी पे देकर रखा हूँ बिकॉज थानोस मेरा भी तो यूज़फुल नहीं है बिकॉज उसका यूनिफॉर्म फार्म में थानोस आ गया था एंड मैं 2500 क्रिस्टल मेरे पास नहीं था, मैं परचेज नहीं किया तो इसको छोड़ दिया। अभी मैं मेटा भी नहीं है बोलूँगा, मेटा तो है थोड़ा बहुत, उतना अच्छा मेटा में नहीं। एंड उसके बाद सिटी ऑफ अथॉरिटी बहुत कम है गाइस, रियली बहुत कम है। स्पाइडरमैन को दे सकते हैं, इस ऑल्सो रियली गुड फॉर पीवीपी एंड उसको भी दे सकते हैं। अंडरटका में देखो ज़्यादा से 41-40% स्पाइडरमैन को सिटी ऑफ अथॉरिटी दिया गया है। सिटी ऑफ अथॉरिटी मेनली फॉर पीवीपी, समझ गए। स्पाइडरमैन को हो गया एंड और एक पीवीपी कैरेक्टर देखेंगे तो गौर, गौर इज़ रियली गुड एग्जांपल, गौर इज बाई फार द बेस्ट फॉर पीवीपी, पीवीपी कैरेक्टर गौर, उसको भी दे सकते हैं सिटीपी ऑफ अथॉरिटी। मैं तो इसको भी माइटी सिटीपी दे के रखा हूँ बिकॉज देखो चेकी वन इवन में मिलेगा सिटीपी, ऑब्वियसली मालूम है आपको मंथली चेकी इवन इसमें से मिलेगा आपको। एंड इनकेस मैं इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ, आपको दो सिटीपी मिल सकता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं परचेस करूँगा 1000 रुपया डालूंगा तो मुझे दो सिटीपी मिलेगा, रिवॉर्ड सब डबल डबल हो जाएगा विथ टीयर टू सेलेक्टर एंड 6-star नॉर्मल सीटीपी है लेकिन सब डबल डबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लोड इन ब्लैक सीन एंड सेलेक्टर नॉट सेलेक्टर 3-star आर्टिफैक्ट सब डबल हो जाएगा, बूस्ट फंड एवरीथिंग 1000 रुपया डालूंगा तो दो सीटीपी मिलेगा, तो इसके थ्रू ही मुझे ज़्यादा सीटीपी मिला। एंड उसके बाद बोलूँगा तो पी सिटी ऑफ अथॉरिटी आई थिंक मे बी सिल्वर तो पर उतना मेटा नहीं है लेकिन इसको दे सकते हैं। इसको जाके देखेंगे तो देखो 28% सिल्वर सर्फर को सिटीपी ऑफ अथॉरिटी दिया गया है बिकॉज इट्स अ पीवीपी कैरेक्टर, आप समझ गए ना, पीवीपी कैरेक्टर के लिए ज़्यादा देना पड़ेगा। एंड आई थिंक और एक कैरेक्टर मैं मिस कर रहा हूँ, आई थिंक कैंग द कॉन्करर, वो किधर गया पता नहीं, इधर ही रहेगा। ये कैंग द कॉन्करर को भी दे सकते हैं सिटीपी ऑफ अथॉरिटी, इज ऑल्सो रियली गुड।
एंड मेरे पास सी टी पी ऑफ अथॉरिटी नहीं है तो उसको नहीं दिया हूँ। देखो 79% सी टी पी ऑफ अथॉरिटी दिया गया है, तो समझ गए बहुत सिंपल सा है। पी वी पी कैरेक्टर को दो एंड मिनिमम बैर मिनिमम और एक सी टी पी ऑफ देख सी टी पी ऑफ अथॉरिटी ब्रिलियन ब्रिलियन आने के लिए कोशिश करो। माइटी नॉट माइटी ब्रिलियन है माइटी ब्रिलियन तो नहीं आएगा, माइटी सी टी पी आएगा। तो आज का टाइम बस इतना है गाइस। वो कमेंट पूछा था कि कितना कैरेक्टर को दे सकते हैं, दिस वाज अ मेटा कैरेक्टर, दूसरा कोई किसी को भी सी टी पी ऑफ अथॉरिटी मत दो। ब्रिलियन नहीं आएगा, माइटी आएगा। माइटी रियली आप फार्म मेक कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मतलब एक सी टी पी को। अभी देखो इसको क्राफ्ट कम रिफोर्स कर रहा हूँ, रिफोर्स ये नहीं, सेम सी टी पी चाहिए, सी टी पी ऑफ ओरिजिनल सी टी पी चाहिए, तो इससे आप कर सकते हैं, मतलब माइटी कर सकते हैं। सी टी पी ऑफ जजमेंट रहने दो, अथॉरिटी रहने दो, कोई भी सी टी पी। तो आज का नंबर बस इतना है, अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कुछ डाउट रहेगा तो मैं कमेंट करो, मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।